जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 हुई घोषित। ना चाहते हुए भी शुभमन गिल ने टीम इंडिया में किए तीन बड़े बदलाव। इन तीन वर्ल्ड चैंपियन की टीम इंडिया में अचानक एंट्री, तो इन तीन युवाओं को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम इस समय 2-1 से सीरीज में आगे चल रही है। अब चौथा टी20 मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो वाला हो गया है। भारतीय टीम अगर मुकाबला जीतती है तो सीरीज पर उनका कब्जा हो जाएगा, लेकिन अगर जिम्बाब्वे जीतती है तो सीरीज में बरकरार बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, आखिरकार कप्तान शुभमन गिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बावजूद भी चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं, किस खिलाड़ी को टीम से बाहर किया है और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की क्या रहने वाली है फाइनल प्लेइंग 11। भारत और जिम्बाब्वे का चौथा टी20 मुकाबला कब और कितने बजे से खेला जाएगा, तमाम सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में कौन सबसे खतरनाक ओपनर बैट्समैन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों तीसरे टी20 मुकाबले में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था और जवाब में उत्तरी जिम्बाब्वे की टीम मात्र 159 रन ही बन पाए और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 23 रनों से जीत दर्ज की। भारतीय टीम इस जीत के साथ सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। अब चौथा टी20 मुकाबला जैसे ही भारतीय टीम जीतेगी सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी। चौथा टी20 मैच जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह मैच अगर जिम्बाब्वे हार जाएगी तो सीरीज भी हार जाएगी और चौथा मैच जीतने के लिए कप्तान शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। हर हाल में चौथा मैच भारतीय टीम जीतना चाहती है। आपको बता दे, भारत और जिम्बाब्वे के बीच चौथा टी20 मुकाबला 13 जुलाई को हरारे क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। तो आइए दोस्तों अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि चौथे टी20 मैच के लिए कप्तान शुभमन गिल किन 11 भूखे शेरों के साथ मैदान पर उतरने जा रहे हैं। आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव हुए हैं, क्या रहने वाली है भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत फाइनल प्लेइंग 11, सब कुछ विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी के बारे में बता देते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर से कप्तान शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं। पिछले मुकाबले में जायसवाल ने पावर प्ले में काफी अटैकिंग बल्लेबाजी की थी। इन्होंने मात्र 27 गेंदों का सामना किया था, जिसमें इन्होंने 36 रन बनाए थे 4 चौके और 2 छक्के की मदद से। जायसवाल युवा बल्लेबाज हैं, पहले ही ओवर से आक्रमण इनका तगड़ा रहता है। अगर ये थोड़ी देर मैदान में टिक गए तो फिर समझ लीजिए गेंदबाजों की हालत खराब कर देंगे। जायसवाल अब चौथे टी20 मैच में भी इसी तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले हैं और भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी से जीत दिलाएंगे। जबकि उनके जोड़ीदार ओपनर कप्तान शुभमन गिल ने लगातार 2 मैच में खराब प्रदर्शन की वजह से काफी ट्रोल किए जा रहे थे, लेकिन फाइनली तीसरे टी20 मैच में कप्तान गिल ने 49 गेंदों में 66 रन की तूफानी पारी खेलकर सबका मुंह बंद कर दिया। उन्होंने 7 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। गिल ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई थी। शुभमन गिल अपनी कप्तानी में 2 मुकाबले जीत चुके हैं और अगला मुकाबला उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर इस मुकाबले में भी टीम इंडिया को जीत मिलती है तो टीम इंडिया सीरीज जीत जाएगी, जिसके लिए शुभमन पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम एक नई प्लेइंग 11 के साथ एंट्री कर रही है, जबकि इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया है। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में अभी तक 1 शतक लगा चुके हैं। हालांकि तीसरे मैच में इन्होंने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं की थी, लेकिन अब एक बार फिर से चौथे मुकाबले में बैक करते हुए अभिषेक शर्मा अटैकिंग बल्लेबाजी करेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अभिषेक शर्मा बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओपनिंग में इनका स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर रहता है। आईपीएल 2024 का सीजन कमाल का था।
जिस तरह से यह बल्लेबाजी कर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए T20 फॉर्मेट में परमानेंट ओपनर बल्लेबाज बन सकते हैं, जबकि इसके बाद चौथे नंबर पर युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। गायकवाड़ ने बैक टू बैक लगातार दो मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। तीसरे T20 मैच में हालांकि ये अर्धशतक बनाने से चूक गए। 28 गेंदों में 49 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। गायकवाड़ इससे पहले वाले मुकाबले में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 77 रन की शानदार पारी खेली थी और तीसरे मैच में नंबर 4 पर बल्लेबाजी की, और यहां पर भी इनका प्रदर्शन काफी बढ़िया गया। भारतीय टीम के लिए यह एक अच्छी खबर है कि गायकवाड़ नंबर 3 या नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, किन कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर गायकवाड़ वन ऑफ द बेस्ट बल्लेबाज हो सकते हैं, जबकि पांचवें नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। सैमसन ने तीसरे T20 मैच में वापसी की थी, हालांकि ज्यादा गेंद उन्हें खेलने को नहीं मिली थी, जिसमें उन्होंने नाबाद 12 रन की पारी खेली थी और विकेट कीपिंग तो इन्होंने काफी बढ़िया की थी। अब चौथे मैच में सैमसन को अपने बल्ले से रन बनाने की जरूरत है अगर उन्हें खेलने का मौका मिलता है तो, ताकि आगे लगातार भारतीय टीम के साथ जुड़े रहे। अगर उनका प्रदर्शन खराब गया तो फिर आगे आने वाली सीरीज में उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। जबकि छठे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को एक बार फिर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। रिंकू सिंह डेथ ओवरों में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। अगर 19वें ओवर तक टिक गए तो फिर गेंदबाजों की खैर नहीं, 19वां ओवर उनके लिए सबसे बड़ा ओवर होता है। हालांकि इससे पहले भी रिंकू सिंह जैसे ही मैदान में उतरते हैं सिर्फ चौके छक्के में ही डील करते हैं। 7वें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। दुबे अब वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हो चुके हैं, उनके योगदान से टीम इंडिया एक ट्रॉफी जीत चुकी है, ऐसे में इनका करियर अब काफी शानदार हो गया है। हालांकि इन्हें लगातार टीम इंडिया में शामिल रहने के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस सीरीज में देना होगा। तीसरे मैच में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब चौथे T20 मैच में 100% बल्लेबाजी का मौका दिया जाएगा। जबकि 8वें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया है। पिछले मुकाबले में इन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 4 ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे, जबकि उनके साथ स्पिन गेंदबाजी को मजबूत बनाने के लिए स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिला है। रवि बिश्नोई का प्रदर्शन अभी तक इस सीरीज में काफी बेहतरीन गया है। भारतीय टीम के लिए अब एक परफेक्ट स्पिनर गेंदबाज बनते जा रहे हैं, आगे आने वाले मुकाबले में भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा। जबकि तेज गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी आवेश खान और खलील अहमद को दी गई है। आवेश खान की गेंदबाजी इस सीरीज में अभी तक काफी अच्छी देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये रही भारतीय टीम की खतरनाक मजबूत फाइनल प्लेइंग 11 जो जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे T20 मुकाबले में मैदान पर उतरने जा रही है। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।